एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्रीमती प्रेमलता सिंगला पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच मंजू गर्ग, अशोक गर्ग, रमन सिंगला, समाइली सिंगला, सोनू कांसल, संजीव कांसल, अजय सिंगला, शैली सिंगला, तुषार, राघव, सारा, समायरा, कुशल, साहिल गर्ग, अंशुल गर्ग, भावुक, कशिश अते उना दे समूह परिवार वालों पुराना कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दियां सच्चाइयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। श्रीमती प्रेमलता सिंगला परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्रीमती प्रेमलता जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां चंगे संस्कारां ते आप जी दे दोनों सपुत्र रमन सिंगला अते अजय सिंगला चल रहे हैं। आप जी दे दोनों सपुत्र बहुत ही मेहनती हैं अते प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल दियां अपनियां अलग अलग फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां आप जी दे नाम नूं समाज विच चर्चा लगा रहे हैं। मछली पकड़ना, बेचना,
समय में थोड़ा परिवर्तन आया, एक दिन उसकी मछलियां नहीं बिकी, बेचारा भूखा सो गया परिवार के साथ। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, फिर अगले दिन फिर ऐसा हुआ, दो चार दिन लगातार ऐसा हुआ। वो विचार करने लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सारे परिवार के साथ मेरा भी प्राणार्थ हो जाएगा। उसने मन में विचार किया, क्या कि थोड़ा दूर चलता हूं, शायद किसी और तालाब में मुझे मछली मिल जाए। किसी दूर जगह गया तालाब में मछलियां ढूंढने के लिए, तो उस तालाब के ऊपर एक गाइडलाइन लिखी थी कि यहां से कोई भी मछली चुराता पकड़ा गया, ये राजा का तालाब है, ये इस स्थान के इस राज्य के राजा का तालाब है, यहां से कोई भी मछली देखा हुआ पकड़ा गया तो उसको तुरंत ही मृत्यु दंड दे दिया जाए। वो मछुआरा सोचने लगा, मृत्यु तो हमारी वैसे ही हो जाती है, एक आध दिन और भूखे रहे तो वैसे ही मर जाएंगे, जो होगा देखा रहेगा। उसने हिम्मत करी और एक जाल फेंका उस तालाब में, और तालाब में जाल फेंकते ही बहुत सारी मछलियां बंधी हुई बाहर आने को आतुर हो गई। उसको पता लग गया इस जाल में बहुत सारी मछलियां फंस चुकी हैं, आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा मन में परिकल्पना कर रहा था। तो क्या हुआ, इतनी ही देर में उस राज्य का राजा अपने रथ पर चलता हुआ उस सरोवर के पास आने लगा। और जो मछुआरा था वो डर गया, राजा आ गया, आप मेरी प्राणों की खैर नहीं, अभी राजा तुम्हें मार देगा। उसने क्या किया था, सही जिस रस्सी को वो खींच रहा था, उसी रस्सी को उस बालू के साथ उसने दबा दिया, उसको दबा दिया और पास ही एक वृक्ष के पास बैठ गया। अपने सारे शरीर में उसने माटी लगा दी, भस्म लगा ली और आगे बढ़ करके भगवान का भजन करने लगा कि हे प्रभु अब के बचा लो, अब के बचा लो। राजा का रथ आया, उसने चारे और देखा, क्या देखा कि सब सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। राजा के पास, राजा के साथ कुछ सैनिक भी थे, सब पीछे खड़े हुए थे। चारों तरफ राजा ने देखा, साधु बैठा है, उस मछुआरे को साधु समझ बैठा है, भगवान का भजन करने वाला भजन अजीब है राजा। उसने उस जीव को उस मछुआरे को संत समझ लिया और वही उसने उसको प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और बड़ी सावधानी से कहीं इसकी जो साधना है वो खराब ना हो रहा है। लेकिन वास्तव में मछुआरा डर रहा था आगे बढ़ करके कि मैं अब पकड़ा गया, पकड़ा गया।
गले के सुंदर मणियां, अपने हाथ के आभूषण, सब के सब उसने वहां उस मछुआरे के पास रख दिया और वहां प्रणाम करके चल दिया। अब यहां सोचने वाले ये सोच रहे होंगे कि मछुआरे के तो भाई अब चांदी हो गई, बहुत सारा पैसा उसको मिल गया, लेकिन ना सा इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं, ये भक्तवाद की कथा है, इस कलयुग की सत्य घटना है। जैसे ही राजा वहां से चला गया, मछुआरा ठिबक ठिबक के रोने लगा कि मैं जिस भगवान की स्तुति कर रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और मैंने जिस साधु का ढोंग करने का एक पाखंड बनाया था राजा से बचने के लिए, और पाखंड बनाने से क्या हुआ, उस राज्य का जो वास्तविक जो राजा था मेरे चरणों में गिर गया। अगर मैं सच्चा संत बनता, सच्चा साधु बनता भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, और वहीं से सीधा श्रीधाम की ओर चला गया और भगवान की भक्ति की थी। सारे पाप उसके क्षमा हो गए। इसलिए प्रभु प्रेमियों, ये छोटी सी कथा हमको यह संदेश देती है कि भगवान का नाम हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य देह को पाया है, 84 लाख योनियां है, कोई एक आदमी नहीं है, 84 लाख उन सबको भोग कर जीव भगवान की शरणागत होता, उन सबको भोग कर जीव मनुष्य देह प्राप्त करता है। ये कोई सरल काम नहीं है, बड़े भाव भाव सुतन पा, और मानुष तन पा लिया फिर क्या है, फिर केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाती है, क्या कि कलयुग केवल नाम आता था, एक ही नाम आता, और भगवान से केवल यही प्रार्थना पाता Thank you.
अंत समर राम स्मरण आवत। कई लोग तो ये सोचते हैं कि भाई अंत समय में राम नाम लेंगे तो हमारी गति हो जाएगी, लेकिन अंत समय में भी भगवान का नाम तब याद आएगा जब हम शुरू से भगवान का स्मरण करेंगे। बाली कहता है हे राघव, हे रघुवंशम, अगर तुम मुझसे वादा करते हो, मुझे वचन देते हो कि जिस तरह ये अंतिम श्वास अभी मेरे सामने है और वास्तव में जब मेरा अंतिम समय आएगा तब भी तुम ऐसे मेरे सामने आना, यही स्थिति विश्व पितामा की है, विश्व स्थिति का ही है। करारविंदे नमदारविंदम मुखारविंदे विनवे जयंतम वटस्य पत्र सपनेशयानं वारं मुकुंदं मनसा स्मरामि। अंत समय में मुझे आपका नाम का स्मरण आ जाए, अंत समय में आप मेरे सामने आ जाओ माधव, ऐसी कृपा करना भगवान कैसे नहीं। अंत समय में मेरा आना या मेरे नाम का स्मरण आना भी जीव को मुक्ति दे देता है, लेकिन ये कब संभव है जब जीव पुनरावृत्ति से द्वार के नाम का ध्यान करता है। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। एक भक्त क्या कहता है भगवान से कि हे भगवान, जब मेरी अंतिम श्वास से हो, जब यमराज मेरे सामने हो, यमदूत मेरे सामने हो, तो वैसे ही कृपा करना मेरे पे बोले कैसी जैसे अजामिल पे की थी। अच्छा, अजामिल ने क्या किया था? उसने जाने ना अनजाने में अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अपने पापों के कारण जब उसको यमदूत नजर आए अंत समय पे, उनको देख के जैसे वो अजामिल घबराया डरा भयभीत हुआ, तो अपने बच्चे को बुलाया उसने, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
आवाज को ना सुन पाया है, मेरा पिता मुझे बुला रहा है। लेकिन वैकुंठ में बैठे श्रीमद नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। और वो अजामिल इतने पाप कर्म करने के बाद भी भगवान की धाम को प्राप्त हो गया, ये है नाम की महिमा। मेरे अंत समय कहने लगे कि
कि वास्तव में तुझे प्रेम करते हैं सब। कहते हाँ सब बहुत प्रेम करते हैं। कहते मेरे कहने से काम करना और उस बात में अगर तुम सफल हो गए मैं वचन देता हूं कि जीवन भर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। बोले क्या करना है? कहते मैंने तुमको योग सिखाया है। कहते हाँ अभी नहीं दो तीन दिन बाद योग से अपनी श्वासें रोक लेना ठीक है और ये दिखाना कि मैं मर गया और जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक जलना नहीं है और लेटे लेटे सारा तमाशा देखना। और तुम्हारी बात है सत्य जी शिष्य तो मैं पूरा कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। कहते ठीक है महाराज। एक आध दिन बीता और धर्मपत्नी कहने लगी सुनो स्वामी आज मैंने आपके बड़ी स्वादिष्ट चीज बनाई है जो आपको बहुत प्रिय है। बोले क्या बनाया? हमने हलवा बनाया। कहते अच्छे जाओ ले के आओ। और धर्मपत्नी हलवा लेने गई पीछे से स्वामी जी ने अपने योग से श्वासें बंद कर ली और यह दिखाया कि वे हमको पधार गए। अब जैसे थाली में वो हलवा लेके आई और सामने देखा अचेत अवस्था में उसका पति पड़ा है। गालों पे हाथ मारा क्या हुआ क्या हुआ? नाक पे हाथ लगाया अरे श्वास नहीं चल रही। नबज पकड़ी अरे साहब नबज नहीं चल रही। लगता है तो पधार गए। लेकिन साहब अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया इतने प्यार से हमने हलवा बनाया है ये भी खराब ना हो जाए। बच्चों को बुलाया स्वयं हलवा खाया सबको खवाया और शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे आप कैसे चले गए क्या हो गया आपको? पूरा मोहल्ला पूरा परिवार रिश्तेदार सभी इकट्ठे कर लिए। चारों तरफ हाहाकार मच गई। इतनी देर में गुरु जी आ गए। कहते महाराज देखो आपका शिष्य बहुत चंगा भला और शरीर छोड़ के चला गया। देखो तो सही बुझ गए। चिंता मत करो चिंता मत करो हम अभी इसको जीवित कर देंगे। बोले कैसे? अभी हमारी भगवान से बात हुई है और भगवान कहते हैं कि जिसके बदले में अगर कोई मुझे प्राण दे तो इसको मैं जीवित कर दूंगा। हाँ भी धर्मपत्नी तुम कह रही थी कि तुम मेरे जीवन प्राणाधार तुम्हारे बिना जीवन कैसे बिताओगी ये है वो है तो तुम अपने प्राण देने को तैयार हो? हाथ जोड़िए। नहीं गुरु जी मेरे माता पिता ने तुमको समर्पित कर दिया था कि ये मेरी प्राणों की रक्षा करेंगे। अब इनकी मेरी प्राण देने की बारी आई है तो मैं नहीं दे सकती। बच्चों से पूछा बोले अपने प्राण दो पिताजी के प्राण मिल जाएंगे। बच्चों ने हाथ जोड़ लिए। नहीं माता पिता से पूछा सबने हाथ रिश्तेदार मित्रों ने सबने हाथ जोड़ दिए। तुरंत एक गुरु ने शिष्य को इशारा किया हाँ बच्चे खड़ा हो। अब बोल क्या सत्य है? जो तुमने सुना रहा था वो सत्य है या जो तू अब देख रहा है वो सत्य है? तो शिष्य कहता है महाराज अब तू शर्मिंदा करते हो अब ये बताओ चलना कहाँ है?
जहां भी चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाम रख दोगे वही मैं रहूंगा। तो केवल कहने का भावार्थ यह है कि जब तक जीव जीता है संबंध सबका भी है, लेकिन आगे का जो यात्रा है वो आपको खुद तय करनी है। भजन पूजा पाठ करने में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। आज के बच्चों को अगर हमारे ये नहीं पता कि हम किस गोत्र के किस वंशी के हम संतान हैं, हमें अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर अगर धर्म के बारे में जानना जबरदस्ती ज्यादा जानकारी दिलवाई जा रही है तो हम सबके लिए बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम अपने बालकों को इधर उधर की व्यर्थ बातों को ज्यादा दिखा रहे हैं जिनका उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सूदा जी क्या कहते हैं, कहिए सुनिए कथा भागवत साधु ये बात मन को समझाना बड़ा ही गंभीर है, बहुत ही इसलिए जान ही जब ही जीव जब जाता जब सब विषय विनाश गिरा। इसलिए हरि प्रेमियों अपना जीवन यूं व्यर्थ ना करो, बड़ा ही अनमोल जीवन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरहु कोट अपराध, केवल ये जीव के अपराध केवल हरि नाम ही नष्ट कर सकता है, वो भी कलयुग केवल नाम आधार और कोई दूसरा आश्रय नहीं। इस नाम के आश्रय में आइए और संभवतः जिस महफिल में जिस समाज में हम बैठे हैं ये आज जो लगनी है आप आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे, लेकिन इन सभाओं से हम लेकर क्या जाते हैं, क्या लेकर उठते हैं, ये बड़ा सोचनी बात है। मैं कई बार कहता हूं कि ऐसे समाज में वही लोग आए जो मन में यह सोचे कि सामने जो फोटो लगी है ये मेरी ही है, ये सब मेरी ही अंतिम यात्रा के अंतिम समय की श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं, फिर नजारा देखे कि बैठे बैठे आदमी 10 बार घड़ी देखता था तो कितना समय और बचा है, हमारे आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सा। इसलिए सूदा जी बार बार हमें इशारा कर रहे हैं कि अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए अपने जीवन को अपनी हर एक श्वास को श्वास श्वास पर हरि भजो, यथा श्वास मत खोए ना जाने इस श्वास का फिर आवरण ना हो, एक एक मन के हरि नाम लो राम नाम लो कृष्ण नाम लो।
यही हमारे जीवन का उद्धार करेगा। अगर इस बार निकल गए तो साफ कल्याण निश्चित है, और फिर अगर फंस गए तो किन अति मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। ये 84 लाख योनियां, ये 84 लाखों का फंदा, फिर जलकर थरचर नवचर लाना, फिर अनेक हमको योनियों में भोगना, फिर माँ की प्रसूति में आना, और इतना सब कुछ तय करने के बाद फिर मनुष्य जन्म लेना, फिर माया रूपी संसार में आना, फिर श्रम करना, फिर जाने तले ना तले कोई गारंटी नहीं। इसलिए उठ जात मुसाफिर घोर भई, अब कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जाता है सो पावत है। इसलिए इस जागृत अवस्था में पाने वाले, इस मनुष्य देह का पूर्ण लाभ लेने वाले हमारे परमादरणीय माता जी अमृता जी आज पूर्ण रूप से भगवत धाम को पधारते हैं। हमेशा फल से ये निश्चित हो जाता है, कोई एक पेड़ अगर आप देखो उसे बड़ा अच्छा फल लगा था, उसे बहुत सुंदर आम लगा हो, उसे बहुत सुंदर सेब लगा हो, तो जीव ये पुष्ट कर देता है वास्तव में इसके अंदर का जो बीज है वो बड़ा ही पुष्ट होगा, वो बड़ा ही लाभकारी होगा, वो बड़ा ही तात्विकदर्शी होगा। आप ही के पौधे में निर्मित, आप ही के दो सपुत्र रमन सिंगला जी, अजय सिंगला जी, आपके भावामृत को देखते हुए, आपके ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा को देखते हुए, ये बात तो निश्चित है कि आपके दिए हुए संस्कार, आपके दिए हुई प्रेरणा आपके बच्चों में वो दर्शनीय है, वो देखने को प्राप्त है, और वही संस्कार के अनुरूप आप श्री की धर्मपत्नी स्माइली और शैली इस परिवार से लगभग लगभग मेरा 12-13 सालों से प्रेम है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा। और क्या देखने में आता है, वस्तुतः कभी हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, कभी महामंत्र चल रहा है, अभी हमारे यहाँ दादाजी बैठे हैं तरसे भगत जी, कभी इनके माध्यम से सुंदरकांड भी चल रहा है, तो किसी ना किसी रूप में हरि नाम का आश्रय परिवार लेता रहता है। ऐसी भारत की कौन सी संगीत प्रेमी की उपाधि वाला कोई गायक नहीं होगा जो आप श्री के घर में आकर जिसने हरि नाम संकीर्तन ना किया। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बड़ा धनवान है, इसके पास बहुत धन है, इसके पास फलाने फलाने बहुत गाड़ियां हैं, ऐसा है लगता। हम तो कहते हैं जिसके घर में रसिक संतों वैष्णवों का आगमन है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है साहब, क्योंकि ये वाला मामला तो यहाँ खत्म हो जाता है लेकिन वो वाला मामला आगे तक चलेगा, वो आगे तक जाता है। तो कहने का भाव यह है कि आपके संस्कारों से ये सिद्ध होता है, वह संस्कार जो आपके पुत्रों में आपके परिवार में दर्शनीय है, देखने को प्राप्त होता है कि आपने कितने अच्छे संस्कार दिए उस धर्म स्थान पर चलते हुए। 10-12 दिनों से मैं देखता हूं बड़े भाव से श्रद्धा से कथा का श्रवण करना, उसका मनन करना, प्रश्न पूछना, ये ऐसे तो ये कैसे, और ये कैसे तो ये ऐसे कैसे, ये बातें धर्म के प्रति जागृति लाती है। मैं देख रहा हूं इस सभा में लगभग लगभग सभी धार्मिक संस्थाएं बैठे हैं, कृष्ण बलराम गौशाला से मेरे जी,
सुंदरकांड से हमारे नसीब भी आए हुए हैं, श्रीनाथ गोविंद संकीर्तन मंडल से हमारे ढांडा जी हैं, रावल जी हैं, अमित गोयल जी भी आए हैं, आदि आदि बहुत यहाँ पर जो मुझे देखने को प्राप्त हो रहा है। तो इन संकीर्तनियों से पता लगता है कि जीवन में कितना भजन हुआ है। ठीक है, नेता विनेता भी लोग यहाँ सेलिब्रिटी आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीव के व्यक्तित्व का भगवान के प्यारे से, भगवान के भक्तों से ही सिद्ध होता है। इस दिव्य विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री को सदैव सतत भगवान अपने चरणों में निवास दें। हम एक बार चर्चा कर रहे थे बैठे बैठे पहले दिन ही कि माता जी के जो प्राण है वो ऊपर के क्षेत्रों से चले गए। आदमी का जीवन किस प्रकार रहता है, कितना उसके जीवन में भजन था, है वो नाटक था या वास्तविकता थी, ये उसकी मृत्यु से सिद्ध हो जाता है। तो यह सिद्ध प्रमाणिकता माता जी ने जाते जाते सिद्ध कर दी कि भगवान नाम का आश्रय लेते हुए ऊपर के क्षेत्रों से अपने प्राणों को त्याग दिया। कल मैं स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के साथ हिमाचल में था, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तरफ से भी आप श्रद्धांजलि लिख के दी उन्होंने, लेकिन समय का अवरोध है, मैं नहीं बोल पा रहा। तो गौ सेवा मिशन के माध्यम से इस परिवार को खूब खूब साधुवाद है। हम सबके इष्ट शायद राम कृष्ण हो सकते हैं, कोई कहते हैं हम राम जी के प्रेमी हैं, कोई कहते राम कृष्ण प्रेमी हैं, लेकिन राम कृष्ण से पूछा जाए कि भाई तुम किसके उपासक हो, तो वो कहेंगे कि हम गौ माता के उपासक हैं, हमारे जो इष्ट देवी है वो गौ माता है। राम जी ने अयोध्या में गौ माता की खूब सेवा की, भगवान कृष्ण ने गौ माता की खूब सेवा की, गावो विश्वस्य मातरः, वेद रचना गैया का आश्रय दिया इन दो देवों ने। तो अपनी निधि भी गौशाला रमन जी के माध्यम से खूब खूब सेवा उसमें हो रही है, और जितने भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब गौशाला वाले बैठे हैं, सब गैया वाले बैठे हैं। अभी विजय बंसल जी भी आए हैं, तो आज से का भी कृष्ण बलराम गौशाला के माध्यम से सभी की, मैं ट्रस्टी तो नहीं कहूंगा, ये सब गौ सेवक हैं, सब गौ सेवक हैं। तो आप आए हुए सभी महानुभाव का साधुवाद। गणपति चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब हेडों से हमारे अमरीश जी, राहुल जी, ये भी दोनों आए हैं, गोविंद गोधाम के सुंदरदास धमीजा जी, अशोक धवन जी की तरफ से भी शोक संदेश आया है। पंजाब अग्रवाल एसोसिएशन है और एवन साइकिल रॉयल्स क्लब आदि आदि बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से शोक प्रस्ताव है, और कुछ योग्य कृष्ण बलराम भी हो गया, श्री गणपति चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो गया, शिव धाम मंदिर से संजय बंसल जी, और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी रमन सिंगला जी के प्रति यह संवेदना पत्र आया है। कृष्ण बलराम क्या चल रहा, कृष्ण बलराम जी का गौशाला का यहाँ पर शोक प्रस्ताव है, और ये पंजाबी में आम आदमी पार्टी जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उनके माध्यम से भी इस परिवार को प्रस्ताव है। और आए हुए सभी जितने भी जिन्होंने अपने घर से एक एक पग इस परिवार के लिए बढ़ाकर यहाँ पर कंधे से कंधा लगाकर इस परिवार को सांत्वना दी, इस परिवार की ओर से आए हुए सभी हरि भक्तों का, सभी गौ भक्तों का खूब खूब साधुवाद। आइए उस गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का हम श्रवण करें, शोक प्रस्ताव यही है और कोई नहीं। तो आइए समय सीमा को देखते हुए गरुड़ पुराण का अंतिम अध्याय का हम श्रवण करें। जो रसम पगड़ी लाए हैं उनसे निवेदन है वो आगे आ जाए, और इसके साथ साथ हम रसम पगड़ी करेंगे, बैठे रहे
केवल 5 या 7 मिनट का समय और लेंगे, उसके बाद ये सभा को विश्राम देंगे। गरुड़ प्राण क्रांति में अध्याय भरद्वाज गौर जी भगवान कहते हैं, कंकरम शक्तो नाम ये गृहतो न विचरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रकाशनम। इस प्रकार हे गरुड़, मैंने सारा आपको वृत्तांत बताया कि किस प्रकार देव दुख भोगता हुआ नर्क संघ की आत्माओं को भोगता हुआ इस संसार में जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात किस प्रकार इस संसार में दुख प्राप्त करता है। दुख कब मिलता है उसको? जब भगवान के चरणों से दूर होता है। और सुखी कौन कहता है? जो है हरि के दास, भगवान नाम का आश्रय लेता है वो यम की यातनाओं से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान नाम का आश्रय लेते ही देव अनेक प्रकार के भावों से मुक्त हो जाता है। इस घर की सिंगला परिवार की मतलब रमन सिंगला जी की बहन मंजू करण जी, अशोक करण जी, सोनू कंसल जी और संजू कंसल जी आदि आदि सभी का इस व्याज जाति से और से खूब खूब साधुवाद है। प्राचीन गौशाला, महामंत्र गौशाला, गोविंद गोधा, गौ सेवा मिशन और कृष्ण वरदान गौशाला, इनमें 5 संस्थाओं का नाम बोला है। गौ सेवा मिशन से तो हम बैठे हैं, तो कृष्ण वरदान गौशाला से विजय जी, गोविंद गो धाम से कोई हमारा अधिकारी आए हो वो आ जाए, प्राचीन गौशाला से कोई बैठा हो वो भी गादी में आ जाए, और महामंत्र गौशाला मतलब कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान की और से अगर कोई बैठा है यहाँ तो इस परिवार की ओर से कुछ सेवा व्यवस्था निकाली गई है तो वो सेवा लेकर बैठे। ठीक है, आइए बड़े भाव से हम आरती का अनुवादन करें, सब प्रेम से बैठकर भगवान नाम आश्रय लें। जय जगदीश हरे, प्रभु जय दीनानाथ हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जय जगदीश हरे।
प्रसाद मिल नहीं पाया है, चाय नहीं पाई, तो सब प्रसाद लेके जाए। जय श्री कृष्ण।